क्या बात है। तो दोस्तों, आपने जो स्टेटस देखा है प्रीव्यू में, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है अलाइट मोशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको विदाउट वाटरमार्क वाला डाउनलोड करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है, फोटो एंड वीडियो, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अपनी फोटो को लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा, दूसरा से इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इनपुट कर लेना है अपने लाइट मोशन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, तो ऑलराइट गाइस, आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा से इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट एक बार बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों, आपको इफेक्ट पर क्लिक कर देना। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों, आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों, कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर से वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कॉपी 38 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों, आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना, और दोस्तों, उन सभी लेयर को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों, आपको पेस्ट 38 लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपनी बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए हम आप सभी को लास्ट तक दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, हमें इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, फोटो को कैसे ऐड करना मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के लिए इस तरीके से हमें इस फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखें, तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी फोटो सारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इसके बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर वीडियो क्लिप को लगाना है। तो दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कैसे वीडियो क्लिप को ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके फिर से फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के बॉक्स पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से सेम प्रक्रिया करके जितने भी लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों, आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना है। बहुत ही ईजी एंड आसान तरीके से इन सभी लेयर पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। दोस्तों, आप इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी एंड आसान तरीके से ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, आप ऐड कर लेने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आ जाना है 1.01 पे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप को लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो क्लिप को लगाने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, आपको इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जिस भी फोल्डर में हमारे टेलीग्राम से वीडियो क्लिप को डाउनलोड करके रखे होंगे, तो दोस्तों, आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से आपको दो वीडियो क्लिप मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो है 8 सेकंड का है। तो दोस्तों, वीडियो क्लिप ऑन है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये ऐड हो जाएगा। एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करके हमें वीडियो क्लिप को जो बड़ा है, तो दोस्तों, हमें कट कर देना है। तो दोस्तों, कट करने के लिए आपको वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसका जो बचा हुआ भाग है तो कट जाएगा। तो दोस्तों, आसानी से ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, हमें वीडियो क्लिप 2 को लगाना है। तो दोस्तों, वीडियो क्लिप 2 को लगाने के लिए हमें 17.25 पे आना है। 17.25 पे आने के बाद दोस्तों, हमें वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। दोस्तों, ये 6 सेकंड का वीडियो क्लिप 2 है। तो दोस्तों, हमें इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हमें एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना, बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा वीडियो क्लिप 2 और 1 भी दोनों लग जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर से न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।